फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता जो आप बनाकर 10 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, वेजिटेबल से भरपूर है। और हमने इसमें क्या ट्विस्ट किया है आज बताती हूँ मैं आपको। गेहूं के आटे का एकदम क्रिस्पी डोसा और साथ में उसमें है पिज़्ज़ा वाला टेस्ट, यानी हम डोसे को बनाएंगे पिज़्ज़ा डोसा और देखेंगे कितना स्वादिष्ट बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, मीनूज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गेहूं के आटे से मात्र 10 मिनट में बनने वाला वेजिटेबल से भरपूर पिज़्ज़ा डोसा कैसे बनाएंगे। तो आइए झटपट से बनाते हैं पिज़्ज़ा डोसा। इसके लिए हमें चाहिएगा एक बाउल गेहूं का आटा, आधा बाउल सूजी। अब मेज़रमेंट कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 4 से 5 डोसे बनकर तैयार होंगे। आधा कप लिया हमने दही, ये नॉर्मल छोटे बाउल हैं। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हमने डाला है 1 कप प्योर गेहूं का आटा, आधा कप सूजी और आधा कप ही इसमें दही मिला देंगे। पहले हम डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक, यानी छोटी आधी चम्मच नमक डालने के बाद हम इसमें आधा कप दही मिला देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। दही को इसको मिलाने के बाद अब इसमें हमने 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अगर हम एक साथ पानी डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, क्योंकि ये आटा है ना जो एकदम से गुठलियाँ पड़ जाती हैं। इसमें बहुत ध्यान से पहले हमें इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गाढ़े गाढ़े में इसको अच्छे से हमें एक डायरेक्शन में इसको घुमाते जाना है। हमें इसमें एक हवा भरनी है, फर्मेंटेशन करना है इसका। तो हम पूरा 1 कप पानी इसमें लग चुका है, थोड़ा थोड़ा करके हमने डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और हमें इसको बहुत पतला घोल नहीं बनाना है, हमें इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं ना, थोड़ा सा बैटर जो कि आलू में लिपट जाता है, इस तरीके से बनाना है। जैसे हम नॉर्मल डोसा बनाते हैं तो थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन जब हम आटे का डोसा बनाएंगे तो थोड़ा सा घोल हमें गाढ़ा रखना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा और कम से कम 2-3 मिनट इसको अच्छे से हमें फेंटना है कि ये स्मूथ हो जाए, इसमें हवा भर जाए और सारी गुठलियाँ इसमें ख़त्म हो जाए। 1 कप पानी पूरा लग चुका है। बहुत ही बढ़िया डोसे का बैटर बनके हमारा तैयार हो चुका है। कितना स्मूथ बैटर बनके तैयार है। 5 मिनट के लिए फर्मेंटेशन के लिए इसको रख देते हैं। हो सके तो कोई गर्म जगह पे रख दीजिए इसको। और इतने हम और प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल कट कर लेते हैं। तो मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च को कट कर लिया है, जो कि हमें पिज़्ज़ा वाला टेस्ट देंगे। आप इसमें कॉर्न भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे वो सब्ज़ी लगा सकते हैं। एक इसकी हम सॉस बना लेते हैं। अगर आपके पास जो भी सॉस है घर में, तो 1 चम्मच शेज़वान सॉस, आप चिल्ली सॉस भी ले सकते हैं। मैंने 1 चम्मच मेयोनीज लिया है तो वो भी डाल सकते हैं आप। और कुछ भी नहीं है तो टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। मैंने तीनों सॉसेस का यूज़ किया है। आप टमाटो केचप लीजिए, उसमें आप चाट मसाला डाल लीजिए, वो भी लगा सकते हैं। और देखिए, मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स, 1-1 शीशे, और मैंने डाला है 2 ओरिगेनो का शीशे छोटे वाले, यानी 1 चम्मच ओरिगेनो डाल ली। और हमने बना ली एक बढ़िया सी सॉस। चिल्ली सॉस है, चिल्ली सॉस डाल लीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस बढ़िया सा हमें, अगर आप पे पिज़्ज़ा सॉस है तो पिज़्ज़ा सॉस लगा लीजिए। और एक छोटी अमूल वाली चीज़ है, वो मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी। और आप सिंपल पनीर भी इसमें लगा सकते हैं, बीन्स भी लगा सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल कट करनी है वो यूज़ कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो आप इस डोसे को आलू का भी बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनता है, फटाफट से। वेजिटेबल का तो ऑप्शन ही सबसे बढ़िया होता है। अब मैंने एक नॉनस्टिक तवा रख दिया है, पुराना तवा है, इस पर बनाएंगे, बहुत अच्छा डोसा बनता है। या फिर लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं अगर आपके पास बड़ा तवा है तो। अब देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। या तो आप इसमें बेकिंग पाउडर डालिए 1/2 चम्मच, या फिर 1 शीशे जो इनो का छोटे वाला आता है उसमें से आधा, 1 कप के लिए हमें 1/2 पाउच यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा 1/2 पाउच ही। और बेकिंग सोडा बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिएगा, वरना सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। या तो बेकिंग पाउडर या फिर इनो, इनो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, और वो भी 1/2 शीशे। देख रहे हैं इनो डालते ही कैसे इसमें हवा भर गई, एकदम से बबल्स आने शुरू हो गए, यानी बहुत बढ़िया घोल बन के तैयार है। तवे को हमने पहले ही गर्म होने रख दिया था, क्योंकि तवे को हमें हाई फ्लेम पे गर्म करना था। ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको आपको बढ़िया डोसा बनाना है तो। पहले हमने बहुत तेज़ गर्म कर लिया, ऑयल लगा दिया, फिर पानी के छींटे लगा के इसको बिल्कुल ठंडा करना है। इसका टेम्परेचर जो है बिल्कुल ठंडा करना है। 2 बार हमने इसमें पानी डाला है। अब पूरा ठंडा होने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल कर देंगे हम स्लो। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब स्लो गैस पे ही हमें इसको पूरा पकाना है। अब एक कलछी लेंगे, बड़ी वाली होती जो, इसमें 2 कलछी से बैटर डालेंगे। अगर छोटा तवा है तो 1 कलछी डालिए, और बड़ा तवा है तो 2 कलछी डालिए। और बीच में रखते हुए इसको हम घुमाते जा रहे हैं, जिससे कि बैटर आगे की तरफ फैलता जा रहा है और एकदम से गोल होता जा रहा है। देखिए ध्यान से किस तरीके से मैं इसको फैला रही हूँ, एकदम से पतला डोसा बनके तैयार होगा।
डोसे को हमने बहुत अच्छे से फैला दिया, बीच में थोड़ा सा मोटा रह गया था तो बीच में मैंने इसको फिर से फैला दिया। अब हल्का सा हमने ऐसे ही ऑयल डाल दिया, लेकिन इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको सूखने देते हैं। थोड़ा सा बीच में हम डाल देते हैं बटर, लेकिन ये होगा बटर डालने से थोड़ा सॉफ्ट होगा लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अगर आपको पेपर डोसा चाहिए तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन हमें तो बनाना है पिज़्ज़ा डोसा, तो हम पहले वो सॉस लगा लेते हैं। अगर इस टाइम पे आप जो भी सॉस लगानी है आपको वो यूज़ कर लीजिए। मैंने आपको बताया ना, अगर कोई भी सॉस नहीं है टेंशन ना लें, टमाटो केचप में चाट मसाला डालें, ऑरिगेनो डालें, रेड चिली फ्लिक्स डालें, या सिंपल लाल मिर्च डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए, तो भी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब देखिए सीखते हुए एक मिनट हो गया है, मैंने चारों तरफ ऑयल डाल दिया है और इसको मैं बिल्कुल भी टच नहीं करना है, अपने आप छूट जाएगा। कम से कम 5 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस में, पेशेंस रखिएगा, बहुत बढ़िया सीखेंगे। अब हमने प्याज डाल ली, टमाटर डाल ली, जो भी वेजिटेबल आपको डालनी है वो डाल लीजिए। बटर को भी मैंने फैला लिया था। अब देखिए, अब इस के बाद डालने के बाद पहले हम डाल लेते हैं चीज़। अगर आपको पनीर डालना है तो इस टाइम पे पनीर भी डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया ये डोसा बन के तैयार होता है, आटे का डोसा है, बहुत ही हेल्दी बनता है। और जैसे हमने सूजी मिलाई है इसमें, आप एक दो चम्मच चावल का आटा भी मिला सकते हैं इसमें, और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा फिर ये। अब मैंने थोड़ा थोड़ा डाल लिया इसमें चाट मसाला, क्योंकि हमने सब्जियों में कुछ भी नहीं मिलाया था, तो ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। अब पूरे 4-5 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर रखा है, कितना बढ़िया नीचे से क्रिस्पी डोसा हमारा सीख के तैयार हो रहा है, देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने सारा डोसा आराम से छूट रहा है और गैस के फ्लेम को मीडियम कर लिया, और कितना करारा डोसा सीख के तैयार है। अब अच्छे से इसको रोल कर लेंगे, पकड़ पकड़ के घुमाते जाएंगे, और इसको बहुत ही बढ़िया से और एकदम से खाने वाले के प्लेट में गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसके लिए कोई भी हमें चटनी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर खाना है तो इसको टमाटो केचप के संग खा सकते हैं, ऐसे ही इसको एंजॉय कर सकते हैं। सच में बहुत टेस्टी लगता है, एक बार बनाकर देखिए, आपको हर बार, आप हफ्ते में ज़रूर है मेरी शर्त है, एक बार ज़रूर बनाएंगे, इतना पसंद आएगा आपको। बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता बन के है तैयार। अगर आपको पिज़्ज़ा का टच नहीं देना, सिंपल प्याज टमाटर शिमला मिर्च डालिए, नमक मिर्च डालिए, तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए पिज़्ज़ा वाला रोल डोसे का कैसा लगा, बहुत टेस्टी बनता है सच में फ्रेंड, इतना क्रिस्पी होता है ये, थोड़ा सा बटर के बाद सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन आप प्लेन पेपर वाला बनाएंगे खाली तो बहुत ही जैसा एकदम कड़क बनेगा, बहुत ही बढ़िया टेस्टी डोसा तैयार है।